स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, तो हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स. 80 डिग्री सेल्सियस से ये बॉडी आ गई है 64 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम में? 5 मिनट्स में. फिर ये क्या कह रहे हैं कि सेम बॉडी जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस पर आ गई है कितने टाइम में? 10 मिनट्स में. अब पूछा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट जो है वो क्या होगा. तो यहाँ पर क्या लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट. जहाँ पर टी माइनस टी नॉट क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग्स. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. तो ये होगा टी टू माइनस टी वन. नीचे वाला डी टी क्या है? ये टाइम इंटरवल है, तो इसको हम टी लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू के इन टू. अब ये टी जो बॉडी है हमारे पास, उसका टेम्परेचर. अब सही टेम्परेचर तो हमें दे नहीं रखा कितना है, है ना? वो तो वेरी कर रहा है. तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? एवरेज टेम्परेचर. तो यहाँ पर हम एवरेज लेंगे उसके फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर की. ठीक है, माइनस टी नॉट. तो ये इक्वेशन बेटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो पहले केस के लिए ये इस इक्वेशन को हम लिखते हैं. पहले केस में, केस वन, फर्स्ट केस में हमें टी टू दे रखा है 80 और टी वन कितना दे रखा है? 64 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया? 5 मिनट्स. दिस इज इक्वल टू के इन टू टी टू प्लस टी वन, यानी कि 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर मुझे पता नहीं. इसे हम लिख लेंगे कितना? 16/5 इक्वल टू के, यहाँ पर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट. ये आ जाएगा अपने पास 16/5 इक्वल टू के 72 माइनस टी नॉट. ये आ गई पहली इक्वेशन. अब केस टू के लिए हम लिखते हैं अगली इक्वेशन. तो केस टू में क्या आ जाएगा? 80 माइनस 52 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इक्वल टू के एवरेज टेम्परेचर 80 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट. इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 28/10 इक्वल टू के 132 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट. तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5. तो इसे हम लिख लेंगे 14/5 इक्वल टू के, यहाँ कितना आ जाएगा? 66 माइनस टी नॉट. ये आ गए अपने पास सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप लोग डिवाइड कर दें. इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा बेटा? 16/5 डिवाइडेड बाय 14/5 इक्वल टू के 72 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय के 66 माइनस टी नॉट. के से के कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा. यहाँ पे 16 और 14 भी कैंसिल होंगे. ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 8 इंटू 66 माइनस टी नॉट इक्वल टू 7 इंटू 72 माइनस टी नॉट. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टी नॉट है वो आ जाएगा कितना? 24 डिग्री सेल्सियस. ओके, एक बार आप कैलकुलेट करके ज़रूर देख लेना. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? द टेम्परेचर ऑफ आर रेडिएटिंग बॉडी इंक्रीजेस बाय 30%, देन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड विल बी अप्रॉक्सीमेटली. तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन. ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेडिएशन एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ई, विच इज एमिसिविटी, इनटू सिग्मा जो कि कांस्टेंट है, इनटू ए इनटू टी रेज टू पार 4.
ओके तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर बेटा, एक बार मैं आपको बता दूं कि ई जो है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी कि ई एमिसिविटी है, सिग्मा क्या है यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ए क्या है एरिया, एंड टी क्या है टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर चेंज होने की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है अब वो 30% से इंक्रीज़ कर गया है। तो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर 30% से इंक्रीज़ हो गया, तो पहले जो टेम्परेचर टी था वो कितना हो गया, टी प्लस 30% ऑफ टेम्परेचर, ये आ गया अपने पास 100T प्लस 30T डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया अपने पास 130T बाई 100। ठीक है, ये आ गया अपने पास नया टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो रेडिएशन एमिटेड है ये कितने से चेंज होगी, इसमें कितना इंक्रीज आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि ई जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू रेफ टू पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम ई टू को निकाल सकते हैं कितना, ई वन इन टू टी टू बाई टी वन रेफ टू पावर 4, है ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। अब ई वन कितना है, ओरिजिनल रेडिएशन एमिटेड, टी टू कितना है 130 बाई 100 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी इसकी पावर 4, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आएगा ई वन इंटू 130 बाई 100 रेफ टू पावर 4। ओके, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो हमारे पास ई टू आ जाएगा ई वन इंटू 13/10 रेज टू पावर 4। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, परसेंटेज इंक्रीज होगा कितना, चेंज इन रेडिएशन एमिटेड यानी कि ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेडिएशन एमिटेड इंटू 100। तो अब ई टू कितना आया मेरे पास, ई वन इंटू 13/10 रेज टू पावर 4 माइनस ई वन डिवाइडेड बाई ई वन इंटू 100। यहाँ पे ई वन ई वन ई वन जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 13/10 रेज टू पावर 4 माइनस 1, है ना, क्योंकि ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 1.3 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, बेटा ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.8561 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 को माइनस किया तो 1.8561 इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपने पास 185.6%। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ चलो, यहाँ पे क्या दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इफ टू बी रेज्ड फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग स्टीम टू इट, द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज। तो हमें 100 ग्राम वाटर दे रखा है जिसका टेम्परेचर हमें राइज करना है फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, और ये हम कैसे करना चाहते हैं, बाय एडिंग स्टीम टू इट, क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा स्टीम के बारे में यहाँ पर कि वो ओरिजिनली कितने टेम्परेचर पर है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके अकॉर्डिंग वाटर जितनी हीट गेन करेगा, हीट गेन्ड बाय वाटर इट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। ठीक है, अब हीट गेन्ड बाय वाटर कितनी होगी, वाटर का मास 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम 1 ले लेंगे, इंटू चेंज इन टेम्परेचर 90 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब स्टीम ने कितनी हीट लॉस की, भाई पहले तो उसने कुछ लेटेंट हीट लॉस की होगी, उसका मास अगर m है तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन ऑफ स्टीम जो कि कितनी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, प्लस फिर स्टीम का टेम्परेचर भी गिरा होगा, ठीक है, कितने से कितने तक गिरा होगा, 100 से 90 तक आया होगा, तो एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम कितनी हो जाएगी, वो भी 1 होगी, इंटू चेंज इन टेम्परेचर जो कि आएगा 100 माइनस 90। सॉल्व कर लो इसे, 100 इंटू 66 इक्वल टू 540 एम प्लस 10 एम, ये हो जाएगा 6600 इक्वल टू 550 एम। यहाँ पर कैंसिलेशन करो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा तो एम आ जाएगा अपने पास 660 डिवाइडेड बाय 55, 11 से कटिंग होगी, ये आ जाएगा 5, ऊपर आएगा 60 एंड ये आ जाएगा आंसर अपने पास 12 ग्राम। ओके, तो अपना आंसर यहाँ पर आ गया है 12 ग्राम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो बेटा यहाँ पर अपने को कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द गैस दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो लाइक ऐसा है कि आपने जितना पढ़ रखा होगा आपको उतना मालूम होगा। ओके, तो अगर आपको आइडिया हो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। मैं आपको एक बार फिर से जो है कुछ रिवाइज करा देती हूँ कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब N2O, ये चारों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है, ये सब की सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब आगे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, तो लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है बेटा, वाटर की, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 0.1 meter cube ऑफ वाटर एट 80 degree Celsius इज मिक्स्ड विद 0.3 meter cube ऑफ वाटर एट 60 degree Celsius। हमसे पूछा है कि इस मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर 0.1 meter cube वाटर को जिसे हमने 80 degree Celsius पे रखा है उसे हमने मिक्स किया 0.3 meter cube वाटर से जिसे हमने रखा था 60 degree Celsius पर, तो हम लगाएंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड हीट किसने लूज की, इसने, और हीट किसने गेन की, इसने। ओके, पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए होंगे, इनके मासेस चाहिए होंगे, तो मास कहाँ से आएगा बेटा, मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, वाटर की डेंसिटी होती है 10^3 इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी 10^3 केजी पर मीटर क्यूब और उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वाटर का मास आ जाएगा। तो हीट लॉस्ट के लिए पहले लिखेंगे, हीट किसने लूज की, इसने, तो इसके लिए हम पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका मास वाटर की डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, ये हो गया मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतनी इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब इसने कुछ हीट लूज की है, इसका हायर टेम्परेचर है 80 और लोअर टेम्परेचर होगा टी, ठीक है, इतना लिखेंगे, इक्वल टू हीट गेन्ड, तो दूसरे वाले का मास लिखो 10^3 उसकी डेंसिटी इंटू उसकी वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस, अब फाइनली ये जो है ये हायर टेम्परेचर पे आ गया, तो हायर टेम्परेचर हम पहले लिखते हैं हमेशा टी माइनस 60, ठीक है। अब क्या क्या कट हो रहा देख लो, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट भी चला जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 80 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 60। इसे सॉल्व करो, 80 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 180, ये आ जाएगा अपने पास कितना 260
इक्वल टू 40, तो टी आ जाएगा अपने पास 260 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करो ये आएगा 65, तो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास बेटा 65 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ चलो। ओके, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी हमें दे रखे हैं इतना एंड इतना, रेशियो ऑफ हीट लाइक क्या पूछा, द रेशियो एच ए इज टू एच बी ऑफ द रेट्स ऑफ हीट एमिटेड बाय देम इज। ओके, तो रेट ऑफ हीट एमिटेड को बेटा हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ई इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, दिस इज रेट ऑफ हीट एमिटेड बाय देम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ हीट एमिटेड होंगे ई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टी, राइट। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो आता है वो केल्विन्स में आता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसे हमें कन्वर्ट करना रहेगा। एंड रेशियो पूछी है हीट एमिटेड की, तो एच ए बाय एच बी को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू टी ए बाय टी बी रेज टू पावर 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो टी ए कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे तो प्लस 273 करेंगे, डिवाइडेड बाय टी बी 327, तो इसमें भी हम 273 ऐड करेंगे रेज टू पावर 4, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा ऊपर 1000, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 600 रेज टू पावर 4, कैंसिल करो यहाँ पर ये आएगा 5/3 रेज टू पावर 4। अब 5 रेज टू पावर कितना होता है 25 × 25 625, और नीचे क्या आएगा 3^4 यानी कि 9 × 9 81, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 625 × 81। ओके, आगे बढ़ चलो। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स रेडियस आर एंड लेंथ एल ईच मेड ऑफ द सेम मटीरियल, ओके मेड ऑफ सेम मटीरियल हुज एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट द मोस्ट हीट। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सी सर्कुलर रॉड है, अलग अलग सबके रेडियस दे रखे हैं, अलग अलग सबकी लेंथ दे रखी है, पूछा है सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग इनमें से कौन सी रॉड होगी। तो बेटा यहाँ पर हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट क्यू बाय टी जो होता है वो होता है के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पर क्यू बाय टी क्या है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इक्वल टू के क्या है, के कांस्टेंट है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एंड्स, एंड एल क्या है लेंथ ऑफ रॉड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ। तो बेटा क्यू बाय टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो जिसके लिए आर स्क्वायर बाय एल की रेशियो सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग होगा, चेक करना पड़ेगा। पहले केस के लिए देखो, ऑप्शन ए के लिए 2R0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L0 कितना आ रहा है 4R0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L0, ये आ रहा है 2R0 स्क्वायर बाय L0। ओके, दूसरे के लिए देख लो कितना आ जाएगा 2R0 स्क्वायर बाय L0, ये आ रहा है 4R0 स्क्वायर बाय L0। थर्ड के लिए देख लो, वो तो सिंपली आ जाएगा R0 स्क्वायर बाय L0, और फोर्थ के लिए कितना आएगा R0 स्क्वायर बाय 2L0। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए आ रहा है, ऑप्शन बी के लिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर ऑफ सन को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को यूज़ करके निकाल सकते हैं। कैसे, कि अगर हम देखें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग ई इज़ इक्वल टू रेडिएशन एमिटेड इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ओके,
रेडिएशन एमिटेड जो भी है सन से वो उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हम रिसीव कर रहे हैं. ओके, फिर ई एमिसिविटी ये हम जानते हैं. फिर स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है. एरिया हम देख सकते हैं किस एरिया पर वो रेडिएशन जो है वो रिसीव हो रही है. तो और फिर ये टी क्या आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ सन. तो अगर हमें ये सब फैक्टर्स पता हैं तो हम इजीली टेम्परेचर ऑफ सर्फेस ऑफ सन निकाल सकते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. आगे बढ़ चलो. क्या दे रखा है कि अ बीकर इज़ फिल्ड विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट वन टाइम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड एट अदर टाइम टेम्परेचर इज डिक्रीज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस. हमें बताना है कि उसका लेवल क्या होगा. तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है. एंड मैक्सिमम डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा कि अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करें, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी कर दें, तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी. ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी, है ना. तो लेवल जो है वो पानी का बढ़ जाएगा. अब अगर हम टेम्परेचर रेस करें 5 डिग्री सेल्सियस पर ले आएं, तो अगेन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना, गिरेगी डेंसिटी. तो वॉल्यूम जो है वो फिर से बढ़ जाएगी, तो लेवल बढ़ जाएगा. यानी कि आप पानी को चाहे ठंडा करो चाहे उसे गर्म करो, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी को चाहे ठंडा करो चाहे इसको ज़्यादा गर्म करो, पानी की डेंसिटी कम होगी जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा. तो ये आएगा इसका आंसर, वाटर ओवरफ्लोज इन बोथ केसेस. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि दो बीकर हैं जिन्हें हमने 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले वाटर से भर दिया है. ए को हमने हीट किया, बी को कूल किया, तो क्या होगा, दोनों में ही पानी जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा. इसमें एक्चुअली कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ दे रखी है ऑप्शंस में. आंसर क्या आएगा कि लेवल विल इंक्रीज इन बोथ. ओके, दिस विल बी द आंसर. आगे बढ़ो. क्या दे रखा है, टू सिमिलर हीटर कॉइल्स रिस्पेक्टिवली टेक 10 मिनट टू बॉयल अ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर. इफ बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन टाइम टेकन टू बॉयल दिस सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी. ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो ध्यान में रखना कि दो हीटिंग कॉइल्स हमने लिए हैं ना, इस तरह से दोनों जो हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट कर रहे हैं एंड दोनों सेम टाइम ले रहे हैं. ठीक है, अब अगर हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो जो अब ये टाइम लेंगे दोबारा से उतने ही पानी को गर्म करने में, वो होगा इनके टाइम का एडिशन, इनके इंडिविजुअल टाइम का एडिशन. यानी कि आ जाएगा ये 20 मिनट्स. ध्यान में रखना, सीरीज कनेक्शन होगा तो टाइम को ऐड करोगे, और पैरेलल कनेक्शन अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ तब क्या करोगे टाइम का. पहले का टाइम अगर T1 होगा, दूसरे का टाइम T2 होगा, तो आपका जो टोटल टाइम आ जाएगा बॉयल करने का वो आएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा. यहाँ पे टाइम्स को ऐड कर देना है और यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल को ऐड कर देना है. तो टी आ जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 पैरेलल के केस में. तो फिलहाल ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा. इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. तो अगेन, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. अनटिल देन, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड यू विल श्योरली अचीव योर टारगेट. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.